हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल डूइंग वेल। हम बात करेंगे केबीसी ग्लोबल शेयर के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड, ये शेयर कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है। जो अभी प्राइस चल रहा है वो है 2.93 का, और लास्ट सेशन में -0.34% की दी है गिरावट। 52 वीक हाई इसका 17 रुपीज़ है, जो काफ़ी दूर है, और 52 वीक लो है 2 रुपीज़। 5% का बैंड है इसमें। टर्नओवर है 15 लाख का। मार्केट कैप भी एवरेज है 180 करोड़। फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं। ईपीएस है 0.14, पीई 20 है, आरओई 6 है। तो फ्रेंड्स, इनका अभी तक Q3 का रिजल्ट नहीं आया। क्या आप जानना चाहेंगे क्या रीज़न है कि कंपनी का अभी तक Q3 का रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो वही अपडेट है फ्रेंड्स, वही रीज़न बताया है मैनेजमेंट ने। तो अपडेट ये है कि BOD आउटकम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग का जो आउटकम है, जो Q3 का रिजल्ट आने वाला था वो नहीं आया। उसका रीज़न है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ आर सब्सिडरी कंपनी। तो फ्रेंड, जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उनके तरफ से फाइनेंशियल्स मतलब डेटा अभी नहीं आया इनके पास, तो यही रीज़न है कि अभी तक Q3 का रिजल्ट नहीं आया। सो दिस इज़ द अपडेट। तो फ्रेंड, जैसे ही इनके पास फाइनेंशियल्स या डेटा आ जाएगा इनकी सब्सिडरी कंपनी से, ये डेट को डिस्क्लोज कर देंगे और उस दिन Q3 का रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज़ द अपडेट जो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया हो। तो आपको बस बेल बटन प्रेस करना है, जैसे कुछ भी अपडेट आता है कि किस डेट को आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है 1.02 करोड़ का, जून का भी है 1.03 करोड़ का, तो 1 करोड़ के आसपास का कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। लास्ट सेशन का वॉल्यूम था 26 लाख का एंड 100% डिलीवरी उठाई गई। नेक्स्ट नियरेस्ट टारगेट हम 3 रुपीज़ का इस शेयर में कंसिडर करके चलेंगे। 3 रुपीज़ को डेफिनेटली ब्रेक कर देगा फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। खुद से रिसर्च कीजिए, तब जाके कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू KBC ग्लोबल शेयर और विद एनी अदर शेयर, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।